ने जो घृणित बयान इस वक्त दिया है कि जिनको यहां रहना होगा हिंदू बनकर रहना होगा, मैं इसकी पूरे तौर पर भर्त्सना करता हूं। इसलिए ये देश भारत किसी की बकौती नहीं है, किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अग्रे पिछड़े गोरे काले सबों का ये देश है, सबों को समान नागरिकता मिली हुई है। भारत किसी के बाप की बपौती नहीं है। यहाँ हर पंथ धर्म समुदाय के लोग आपस में सौहार्द के साथ रहते हैं। ये बात AIMIM के रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने कही। आपने सुना, अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने जिस तरह के जुमले का इस्तेमाल किया और वहाँ दंगा भड़काने की कोशिश की, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। अख्तरुल ईमान ने बड़े सख्त अल्फाज में कहा कि सीमांचल की जनता भूखे रह सकती है लेकिन इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यहाँ आकर अमित शाह और मोहन भागवत ने भी कोशिश की थी लेकिन ये कोशिश नाकाम होगी। अख्तरुल ईमान ने नीतीश कुमार और JDU से सीधे तौर पर सवाल पूछा है कि इनके मुंह में ज़ुबान है या नहीं, उनको क्या हो गया है। ये लोग इनकी बैसाखी से जीतने वाले BJP ये कहते हैं कि हम उनके आदर्श से समझौता नहीं करते, लेकिन आज ये क्या हो गया है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको जवाब देना होगा और सीमांचल की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। BJP के सांसद ने जिन जुमलों का इस्तेमाल किया आपने सुना, एक बार फिर सुनिए। परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। जब बेटा बेटी का सम्मान करना है, आज कौन करेगा देश का रक्षा, बताइए। इस देश का रक्षा AIMIM के सदर अख्तरुल ईमान ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है। उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं वो वाजिब है। आइए अख्तरुल ईमान को भी सुनते हैं। मुझे ही नहीं, सीमांचल के जनजन को और कनकन को इस बात से बड़ी तकलीफ पहुंची है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और विशेषकर माननीय सांसद अररिया प्रदीप साहब ने जो घृणित बयान इस वक्त दिया है कि जिनको यहां रहना होगा हिंदू बनकर रहना होगा, मैं इसकी पूरे तौर पर भर्त्सना करता हूं। इसलिए ये देश भारत किसी की बकौती नहीं है, किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अग्रे पिछड़े गोरे काले सबों का ये देश है, सबों को समान नागरिकता मिली हुई है। और ये देश जो धर्मनिरपेक्ष देश हमारा है और हमारी धर्मनिरपेक्षता और हमारा जो सेकुलरिज्म है बहुत ही आइडियल है, वो ये है कि हर आदमी को इस बात की इजाजत है कि वो अपने धार्मिक आस्था और आदर्शों का पालन करे। साथ ही उसका दायित्व है कि दूसरों के धार्मिक आस्था, उनके धर्म स्थली, उनके धर्म ग्रंथ और उनके धर्म गुरुओं का आदर करें। इस आदर्शपूर्ण माहौल को अगर कोई बिगाड़ना चाहता है तो सीमांचल की जनता कभी भी उसको इजाजत नहीं देगी। कान खोलकर इन नेताओं को सुन लेना चाहिए। सीमांचल के लोग भूखे रह सकते हैं, बदन पे कपड़े नहीं हो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उन्माद को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर धोखे की टट्टी से जीत गए हैं वो तो अपने आप को बहुत बलवान नहीं समझे। मामला यह है कि लोकतंत्र की हत्या होगी उस दिन जिस दिन धार्मिक उन्माद और जाति उन्माद पर लोग राजनीति करेंगे, और ये लोग कर रहे हैं। इस बात की कदर ही आ जाती होगी। मैं JDU के उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो भाजपा को बैसाखी देकर जिताते हैं, ये नेता चुप क्यों है, इनके मुंह में क्या घुस गया है नहीं बोल पाते हैं। नीतीश कुमार जी को फौरन अगर वो ये कहते हैं कि हम भाजपा के साथ हैं लेकिन भाजपा के आदर्शों के साथ नहीं है, तो फौरी तौर पर ऐसे नेता लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और सत्ता के दलालों को और JDU के गली कूचे में घूमकर बड़ा नेता अपने आप को कहने वाले नेताओं को अपनी जबान खोलनी चाहिए कि सीमांचल के सौहार्दपूर्ण वातावरण को जो लोग दूषित कर रहे हैं उसके खिलाफ चुप क्यों है। मैं समझता हूं सीमांचल की जनता कभी भी इस किस्म के घृणित बयानबाजी का समर्थन नहीं करेगी और आने वाले दिनों में इनको करारा जवाब मिलेगा। इन लोगों ने बहुत प्रयास किया है, पिछले दिनों में अमित शाह जी हो या मोहन भागवत जी भी हो, उस इलाके में आकर सबको हमारा सौहार्द, हमारी मोहब्बत, हमारी गंगा जमनी तहजीब खटकती है और ये लोग उसको बिगाड़ना चाहते हैं। सीमांचल की जनता कभी इसकी इजाजत नहीं देगी।